नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद राज्य सरकार को उम्मीद थी कि अपराधों पर अंकुश लगेगा, मगर अपराधों पर अंकुश लगना तो दूर, शहर में अपराधी ही पूरे साल बेलगाम घूमते नजर आए। साल की विदाई के साथ ही बेरहम अपराधी ने 7 साल की मासूम को मोबाइल का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस के अनुसार निषादपुरा इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ एक धर्मशाला में रेप किया गया। आरोपी ने वारदात को अंजाम उस दौरान दिया जब बच्ची अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेल रही। आरोपी उसे उठाकर धर्मशाला की छत पर ले गया, उसके साथ गलत काम किया। इस बीच साथ खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया, तभी भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हनुमान मंदिर के पास रहने वाली 7 साल की बच्ची 3री कक्षा में पढ़ती है। मंदिर के पास ही उसके पिता काम करते हैं। शुक्रवार शाम बच्ची मंदिर के पास आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी मोहल्ले में रहने वाला भगवत विश्वकर्मा पहुंचा और बच्ची को लालच देकर उसे धर्मशाला की छत पर ले गया। काफी देर तक जब वे वापस नहीं आए तो साथ खेल रहे बच्चे छत पर पहुंचे। बच्चों ने आरोपी को गलत काम करते देख डर गए, उन्होंने बाहर आकर शोर मचाया। आसपास के लोग बच्चों के बताए अनुसार छत पर पहुंचे तो लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। बच्ची रो रही थी, तुरंत ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। सर, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आया, क्या पूरा मामला है सर? जो करोत चौराहे क्षेत्र की घटना है, यहाँ पर एक व्यक्ति है भगवत सिंह विश्वकर्मा नाम का, नशेड़ा किस्म का है, मेहनत मजदूरी करता है। उसने छोटी बच्ची को मोबाइल पर गेम खिलाने के बहाने से चौराहे पर धर्मशाला बनी, उसके ऊपर छत पे ले गया और उसके साथ गलत काम किया। सर, किस तरह से पकड़ाई में आया? वो बच्ची को जब उसने प्रयास किया छेड़खानी का, अपराध करने का, तो चिल्लाई तो आसपास लोग आ गए और तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, उसको राउंड अप कर लिया आरोपी को और उसमें FIR करके उसको आरोपी को जेल भेज रहे हैं। सर, इसमें जो है माता पिता का क्या कहना है? पहले से परिचित था ये युवक? वो वहीं घूमते रहते हैं, माता पिता भी मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्ची साथ में रहती है तो मिलते रहते होंगे, जानते पहचानते हैं। आरोपी को आपराधिक रिकॉर्ड नहीं? अभी आपराधिक रिकॉर्ड हमारे थाने में तो नहीं है, और आसपास क्षेत्र में दिखवा रहे हैं, कहीं होता है तो वो भी उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।